अगर आप चाहते हो वर्डप्रेस का टेबल जो है वो ब्लॉग पोस्ट में आ जाए तो कैसे हो सकता है, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो और मैं आपको बताऊंगा इजीली कि किस तरीके से आप इजीली वर्डप्रेस जैसा जो टेबल दिखता है वो आप ब्लॉगर में भी क्रिएट कर पाओगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि कैसे आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे जो ब्लॉगर हैं उस पर अगर कोई नया पोस्ट करते हो उसमें वर्डप्रेस जैसा दिखने वाला टेबल कैसे ऐड कर पाओगे जो कि एकदम बढ़िया सा होगा स्ट्रिप वाला, ठीक है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा है। तो उसके लिए ये कोड है, इस कोड को अपने थीम के अंदर इंसर्ट कर देना है और उसके बाद ये जो यहाँ से डीप देख रहे हो इसमें क्लासेस जो लगे हुए हैं इन सभी क्लासेस का यूज़ करके जैसे आप टेबल क्रिएट करोगे एज इट इज़ आपको एकदम बढ़िया सा दिखने वाला जो कि वर्डप्रेस पे दिखता है वैसे ही आप टेबल अपने ब्लॉग पोस्ट में भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ईजिली आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ टेबल टैग होते हैं जैसे कि TR है, TD और TH है। तो TR क्या है, वो एक रो को डिफाइन करता है, उस रो के अंदर हम TH डालते हैं और TD डालते हैं। TH का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट होगा थोड़ा हेडिंग के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं टेबल हेडिंग, तो वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। जो TD होता है वो डेटा फिल करने के लिए, जैसे आप देख सकते हो रो वन कॉलम टू, इसी तरीके से ये रो वाइज डेटा फिल होता है। जितना आप एक TR के अंदर जितना TD या फिर TH क्रिएट करोगे उतना कॉलम क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसका जस्ट मैं एक कॉपी करके एक और मैं दिखाता हूँ आपको स्टाइलिंग, ठीक है। अब जैसे एक तो ये हो गया लेफ्ट अलाइन सारे टेक्स्ट हैं, जैसे यहाँ पे एक क्लासेस और ऐड करता हूँ मैं नेवी टेक्स्ट सेंटर करके, जो कि मैंने ही खुद का क्रिएट किया हुआ मेरा कोड है। आप जस्ट इसको जैसे ऐड करोगे इस क्लास को सारा का सारा सेंटर अलाइन हो जाएगा आपका टेक्स्ट, जस्ट एक कोड को इंसर्ट करना और सारा काम आपको हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि सेंटर अलाइन टेक्स्ट हो, तो जस्ट ईजिली एक क्लासेस ऐड करो टेबल टैग के अंदर और सारा काम हो जाएगा। तो सिंपल सा ये जो कोड है, इस कोड को अगर आप चाहते हो कि अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज़ कर पाओ और ईजिली टेबल क्रिएट कर पाओ कुछ इस तरीके से दिखने वाला, तो वो आसानी से कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल रोज क्रिएट करना तो सिंपल सा जो लास्ट का TR है उसको कॉपी करो, मल्टीपल TR पेस्ट करो, उस जो TD का डेटा चेंज कर दो और आपका इजीली क्रिएट हो जाएगा मल्टीपल रो। और जैसे रो क्रिएट करते जाओगे और जो कलरिंग है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस डेटा फिल करने के लिए रोज क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि TR है, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल सा आपको अगर टेबल हेडिंग हाइट करना है तो वो भी हाइट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे कलर एडजस्ट हो जाते हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो भाई ये तो बात रही कोडिंग लेवल पे कि कैसे ये हमारा काम करेगा, अब हम बात करते हैं यार कि कैसे इस कोड को हम अपने थीम के अंदर इंसर्ट करेंगे और किस तरीके से काम करेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई कैसे इस कोड को पूरा अपने ब्लॉग पोस्ट में ऐड करोगे। तो सिंपल सा अपने डैशबोर्ड में पहले चले जाना है, ठीक है। डैशबोर्ड जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पे आते ही जस्ट आपको पहले थीम में जाना है, यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन आएगा, कस्टमाइज जैसे करोगे इसको थोड़ा ऑफ कर दो, यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आता है क्लिक करोगे, यहाँ पे जस्ट क्लिक करोगे थीम ऑप्शन में नीचे आओगे ऐड CSS का ऑप्शन आएगा। इस ऐड CSS में जो मैंने टेबल के लिए CSS क्रिएट कर रखा है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इसको कॉपी करना है आपको और पेस्ट कर देना है। उसके बाद जैसे ये पेस्ट करोगे यहाँ पे फिर उस सेव करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जस्ट सेव पे बटन पे क्लिक करना और ये सेव हो जाएगा। बस वन टाइम आपको ये चीज़ करनी है, उसके बाद आपको मल्टीपल्स टेबल क्रिएट करने के लिए वो HTML वाला पार्ट यहाँ से आके करना है। मैंने जस्ट इस पोस्ट के अंदर वो वाला पार्ट ऐड करना है, तो जस्ट यहाँ पे मैंने एक इंटर मारूंगा, ठीक है, और उसके बाद ये जो पूरा है डिव से उठाऊंगा और पेस्ट कर दूंगा जाके इस HTML वाले पार्ट में। ये तो कंपोज व्यू है, यहाँ पे HTML व्यू में आना है आपको और इस जो कोड को जस्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना कि ये डिव के अंदर ही ये टेबल हो तभी ये काम करेगा, क्योंकि अगर नहीं डालोगे तो हो सकता है जब टेबल का जो टेक्स्ट है ओवरफ्लो करने लगेगा तो डेटा कटने लगेगा। उसके लिए मैंने रिस्पॉन्सिव बनाया है, उस डिव के अंदर डाल के रखोगे तो एकदम बढ़िया काम करेगा आपका, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो वैसे जैसा हम चाह रहे हैं वो ऐसा दिख नहीं रहा है अभी, ठीक है। तो वैसा दिखने के लिए यार क्या करेंगे, अब ये बड़ी बात है, जैसे इंस्पेक्ट करके देख लिया कि मोबाइल व्यू में कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मोबाइल व्यू में जैसे 100% मैंने कर दिया, यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा वाइट स्पेस दिख रहा है आपको,
इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आपको अपने थीम के अंदर दो कोड को हाइड करना पड़ेगा। अगर आप देखो हमारे से जैसा हमें दिखना चाहिए वैसा ये दिख नहीं रहा है, इसमें लाइनिंग भी आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि यहाँ पे मैंने जस्ट एक कोड कॉपी कर रखा है, ठीक है। और जो मीडिया स्क्रीन है यहाँ पे जो मैक्स विथ 6 करके जो है 680 पिक्सल्स, इस पिक्सल्स को आपको सीधे हाइड कर देना है कि इस पिक्सल पे जो भी इस स्टाइलिंग लगी हुई है उसको हाइड करना है। तो सबसे पहले अपने थीम का एक बैकअप ले लो, ठीक है, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ी हो जाती है यार तो रिस्टोर कर सकते हो इजिली। एंड देन उसके बाद इस एरो पे क्लिक करके एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, सिंपली कंट्रोल एफ करना है फाइंड करने के लिए, और वो जो कॉपी है वहाँ से किया है कोड उसको पेस्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हो ओनली जो स्क्रीन है वो मैक्स विथ 680 पिक्सल्स, इसके अंदर आपको पोस्ट बॉडी टेबल लिखा होगा जहाँ पे आपको उसको कमेंट करना है। कमेंट करने के लिए सिंपल से है, स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज कर देना है उस कोड को। फिर सेकेंड कोड कॉपी करेंगे यहाँ पे पोस्ट बॉडी टेबल TD, और ये जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे कंट्रोल एफ करके ये मिल गया हमें। यहाँ पे भी बस इसको कमेंट करना है वही फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार्टिंग में और स्टार फॉरवर्ड स्लैश क्लोज करने के लिए। तो ये जो आप जस्ट कोड देख रहे हो बस इसी कोड को अपनी थीम में जाके हाइड कर देना और सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सेव होने में, प्रोसेसिंग अभी लिख रहा है, और ये अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पर रिफ्रेश करके कि कैसा हमारा ये टेबल अब दिखता है। जैसे ये रिफ्रेश करेंगे ये डेफिनेटली ये जो दिख रहा है आपको वाइट स्पेस एकदम हट जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा पेज रिलोड हो चुका है और वो जो वाइट स्पेस है वो भी अब नहीं दिख रहा है। तो इजीली इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं इसको अगर आप में ये शो हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कोई भी इशू आता है तो आपके थीम के अंदर। आई थिंक ये ऑलमोस्ट सभी ब्लॉगर पोस्ट के अंदर ये आता ही है, मैंने जहाँ तक चेक किया है, ठीक है। अब ये मेरा जैसा ये दिख रहा था टेबल पहले, अब वो एकदम एग्जैक्टली वैसा ही टेबल मुझे ये देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इजीली अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर अमेजिंग टेबल क्रिएट कर सकते हो जस्ट कलरफुल इस तरीके का स्ट्रिप वाला। और अगर आप बात करें रिस्पॉन्सिव की यार तो कुछ देख सकते हो इसको, जैसे मैं छोटा करूँगा मतलब मोबाइल व्यू में, ऐसा नहीं कि आपका जो टेबल में कॉन्टेंट है वो कटना शुरू हो जाएगा, ये भी एक मूवेबल यानी कि स्क्रॉलेबल फॉर्म में आ जाएगा अगर डेटा अधिक होगा तो उस रो में, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेबल आपका शो ही नहीं कर रहा है मोबाइल व्यू में, डेस्कटॉप व्यू में परफेक्टली दिख रहा है बट मोबाइल व्यू में नहीं दिख रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है। किसी भी डिवाइस पे देखो एकदम अच्छे तरीके से आपका टेबल दिखेगा। अगर हम यहाँ पे पोस्ट में जाके देखें यार ये जो हेडिंग है ना, इस हेडिंग को हम हाइड कर देते हैं या फिर डिलीट ही कर देते हैं, तो क्या फिर कैसा दिखता है हमारा टेबल, ठीक है। जैसे हम टेबल को हाइड करेंगे जो टी बॉडी है उसको रहने देना, ऐसा कुछ नहीं कि वो कोड हाइड हटाना है आपको, ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है वो जब भी ये CSS रेंडर होता है ब्राउजर के अंदर। तो आप देख सकते हो सिंपल सा, जैसे मैंने टेबल हेडिंग को हटाया ऑटोमेटिकली ये जो कलरिंग है वो एडजस्ट हो गया। तो इसी तरीके से मल्टीपल रोज ऐड करो, एकदम कलर हो जाएगा आपका स्ट्रिप जो है वो कलरफुल। और अगर आप चाहते हो कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट लाइन ना होगा सेंटर लाइन हो जाए, तो आपको जस्ट ये कोड ऐड करना है सिंपल सा, एक स्पेस देना है फर्स्ट क्लास के बाद, फिर नेवी टेक्स्ट सेंटर लिखना है, उसके बाद एक और स्पेस होना चाहिए, मतलब दो क्लास के बीच में एक स्पेस होना चाहिए तभी स्टाइलिंग अप्लाई हो पाएगी। जैसे मैंने डाला है सेव किया और यहाँ पे देख सकते हो परफेक्टली ये सेंटर में आ गया। तो इजीली अगर आप चाहते हो यार कि नहीं मेरा जो पोस्ट के अंदर जो टेबल है उसका कंटेंट सेंटर में हो, तो आप इजीली जस्ट एक क्लास को ऐड करोगे तो सेंटर हो जाएगा और इसको रिमूव कर दोगे तो सेंटर से हट जाएगा। तो ये सारा जो कोड है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ये कोड सारा कॉपी कर सकते हो, CSS पार्ट भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा और ये भी कोड मिल जाएगा। फिर उसके बाद अपने हिसाब से आप इस टेबल को क्रिएट कर सकते हो और अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर आके इस तरीके से ऐड कर सकते हो और मल्टीपल टेबल ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे आप जो div ये क्लोज होता है यहाँ पे एक आपको br टैग ऐड कर देना है, जैसे कि आप ऐड करोगे यहाँ पे मतलब एक नीचे ऑप्शन आ जाएगा एरो, और उसके बाद आप मल्टीपल्स इंटर करके या फिर कुछ भी करके जो भी कंटेंट और भी ऐड करना हो उस टेबल के नीचे तो आप ऐड कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आसानी पड़ेगी, जस्ट जहाँ डिप क्लोज होता है वहाँ पे एक br टैग जरूर ऐड कर देना जब भी कोई भी टेबल इसमें इंसर्ट करना अपने पोस्ट के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टॉप में हमारा जो भी टेक्स्ट होगा, बीच में हमारा ये मिडिल में हमारा टेबल है, उसके नीचे जो भी हमने कंटेंट लिख रखा है वो सारा विजिबल हो जाएगा। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इजिली अपने ब्लॉगर के ब्लॉग पोस्ट में इजिली आप टेबल ऐड कर सकते हो। और अगर कोई भी इशू आ रहा है इसके अलावा जो कि मैंने इसमें आपको बताया नहीं है
उस तरह की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और मोस्टली मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ सभी का, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर करना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।